विद्यार्थियों, पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, उनके कार्यकाल, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनके शपथ संबंधी प्रावधान, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार या जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह है, जो एक प्रकार से मूल अधिकारों का संरक्षक भी है और संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सिविल और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है वो माना गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति भी रखता है, और ये जो शक्ति है ये उसको जो अन्य देशों के यानी अमेरिका और जो इंग्लैंड के जो न्यायालय हैं उन न्यायालयों से अलग रखती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार जो या जो शक्तियां हैं उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक या जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मूल या जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसका सामान्यतया अर्थ यह है या सीधा सा अर्थ यह लगाया जाता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं या कुछ ऐसे वाद होते हैं जिनकी शुरुआत सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है या की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत इस प्रकार के मामलों का प्रावधान या चर्चा की गई है। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो मूल क्षेत्राधिकार है इसमें मोटे तौर पर तीन तरह के मामलों की सुनवाई की जाती है। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार होती है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें होती हैं। तो पहला तो ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा जा सकता है जिसमें विवाद है वो भारत सरकार का किसी दूसरे राज्य से या एक से अधिक राज्यों के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो इसकी जो सुनवाई है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दूसरा जो मामला है उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य हों और दूसरी तरफ भी एक या एक से अधिक राज्य हों तो ऐसे मामलों की जो सुनवाई है वो भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है उसके अंतर्गत की जा सकती है। तीसरा जो मामला है वो इस प्रकार का है कि ऐसे मामले या ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार होती है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य होते हैं तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य यदि हों तो भी इस प्रकार का मामला है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है वो की जा सकती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय की यह है कि वो रिट जारी करता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो अधिकार या जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मोटे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है या जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिटें इसके अंतर्गत जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी जो रिट है वो है परमादेश, तीसरी जो रिट है वो है प्रतिषेध लेख, चौथी रिट है वो उत्प्रेषण लेख, पांचवी जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की जो शक्ति है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुल 5 प्रकार की रिटें या जो याचिकाएं हैं वो इसमें जारी करता है। अब एक एक करके हम इन 5 रिटों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इस रिट में ये बताया गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है ताकि मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी का कारण जान सके। यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है तो इस रिट के माध्यम से न्यायाधीश जो है वो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर सकता है या मुक्त कर सकता है। तो पहली जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसके अंतर्गत अवैध तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। दूसरी जो रिट है उसके अंतर्गत परमादेश रिट आती है, और परमादेश जो रिट है वो उस समय जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अर्थात कोई भी पद पर बैठा है और वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ कर्तव्य का पालन करने का आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट है वो जारी कर सकता है, और ये जो रिट है ये परमादेश कहलाती है जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेशित करते हैं। तीसरी जो रिट है वो है प्रतिषेध रिट। ये जो रिट है ये उस समय जारी की जाती है जब सर्वोच्च न्यायालय के जो नीचे के न्यायालय हैं या जो उच्च न्यायालय हैं वो किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर देते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता, तो ऐसे मामलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका है या जो रिट है वो दायर की जा सकती है। और ये जो रिट है ये प्रतिषेध रिट है या प्रतिषेध लेख है इस नाम से जानी जाती है। अगली जो रिट है वो है उत्प्रेषण लेख। देखिए उत्प्रेषण लेख और प्रतिषेध लेख दोनों एक प्रकार से समान रिटें होती हैं, केवल अंतर इतना सा है कि उत्प्रेषण जो रिट या जो लेख है वो उस समय जारी किया जाता है जब अधीनस्थ या जो उच्च न्यायालय हैं वो किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था और ऐसे मामले की सुनवाई पूर्ण कर देते हैं, तो ऐसे समय में उस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने पास में मंगवा सकता है। और ये रिट उस समय जारी की जाती है जब नीचे के न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर देते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। तो सुनवाई के दौरान जो रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय वो तो प्रतिषेध लेख कहलाती है, और सुनवाई पूर्ण होने के बाद में जो रिट जारी की जाती है वो उत्प्रेषण लेख कहलाती है। और अंतिम जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उसके पास में उस पद की योग्यता ही नहीं है और वह उस पद पर कार्य करता है तो इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति या पदाधिकारी को ये पूछा जा सकता है कि वो किस अधिकार के तहत इस पद पर कार्य कर रहा है। तो ये पांच प्रकार की रिटें हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। इस प्रकार की रिटें हैं वो उस न्यायालय को भी जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है उसके अंतर्गत इस प्रकार की रिटें जारी करता है। अब अगली जो शक्ति या जो क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सिविल और आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का एक प्रकार से अंतिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसको मोटे तौर पर चार भागों में बांटा गया है, या हम चार भागों में उसको बांट सकते हैं। पहला जो भाग है उसमें संवैधानिक विषयों से जुड़ी हुई अपीलें अनुच्छेद 132 के अंतर्गत। दूसरा जो भाग है उसमें सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133 के अंतर्गत। तीसरा आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें जो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत।
चौथे प्रकार का जो भाग है उसमें विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें जो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो मोटे तौर पर चार भागों में बांटा गया है, जो अनुच्छेद 132, 133, 134 और अनुच्छेद 136 में इनका वर्णन किया गया है। अब संवैधानिक विषयों से जुड़ी कौन सी अपीलें हो सकती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 132 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न है और उस न्यायालय इस आशय का प्रमाण पत्र दे देता है तो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। ये मामला सिविल भी हो सकता है और आपराधिक भी हो सकता है और अन्य किसी भी तरीके का मामला हो सकता है। कहने का मतलब है कि यदि उस न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र जारी कर दे कि किसी निर्णय या अंतिम आदेश में कि इसके अंतर्गत कोई संविधान से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो निर्णय हैं या जो मामले हैं या जो वाद हैं उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट है उसमें की जा सकती है, चाहे मामला सिविल का हो, चाहे आपराधिक हो या किसी अन्य प्रकार का हो। अब सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें कौन सी होती हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 133 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें कोई भी सिविल अपील तब लाई जाएगी जब वो तीन शर्तें पूरी करता हो। कौन सी पहली शर्त क्या है? उस मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो। दूसरी, वह सामान्य महत्व का हो, अर्थात पक्षकारों के अलावा बहुत से अन्य व्यक्तियों या लंबित मामलों पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला हो। और तीसरी जो अपील है, तीसरा जो मामला है उसके अंतर्गत उस न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। तो इस प्रकार की तीन शर्तें यदि वो पूरी करता है तो वो मामला है, वो यदि सिविल मामला है और तीन शर्तों को पूरी करता है तो उसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब देखिए, तीसरा जो है वो है आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई अपीलें। अब आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई अपीलों में क्या शामिल है? तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 134 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, आदेश या दंडादेश की अपील निम्नलिखित दशाओं में हो सकती है। पहली जो बात है उसमें क्या बताया गया है? उसमें यह कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उल्ट दिया हो तथा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दिया हो। दूसरा, यदि उच्च न्यायालय ने तथा मामले पर विचारोपरांत अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दिया हो। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है या तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उसमें यह है कि उस न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मामलों की अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब देखिए, कुछ विशेष अनुमति की अपीलें होती हैं, इसके अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया गया है? तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 136 है उसका उद्देश्य उन विषयों पर अपील की शक्ति देना है जो या तो इन तीनों में शामिल न हो या कोई अन्य विशिष्ट परिस्थिति बन गई हो। एक अर्थ में यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने की अवशिष्ट शक्ति के रूप में है। न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। विशेष इजाजत के अंतर्गत सैनिक न्यायालयों के निर्णयों की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं हो सकती। अब देखिए, सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है?
तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है वो सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 के मोटे तौर पर दो खंड हैं, 143(1) और 143(2)। दोनों खंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन दोनों की जो विषय वस्तु है वो अलग अलग है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान की गई है, यानी आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह है वो मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है वो मानना या न मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, और सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श दे या न दे ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143(1) है उसके अंतर्गत यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि या तथ्य को कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना या आशंका हो जो ऐसी प्रकृति की हो या व्यापक महत्व की हो, उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय है वो प्रतिवेदित कर सकेगा। और अनुच्छेद 143(2) जो है उसका संबंध भी सलाहकारी अधिकारिता से है। इसमें भी कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतु के में वर्णित है तो भी राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के बाद अपनी राय देगा। तो इस प्रकार के जो मामले हैं उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 131 के परंतु में लिखा है संविधान होने से सनद या किसी अन्य लिखित प्रपत्रों से उत्पन्न विवादों को इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय में दो चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। पहली तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिलेख न्यायालय की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं यदि कोई उनको अस्वीकार करता है या स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको कंटेम्प्ट यानी अवमानना मानकर उसको दंड देने की शक्ति है वो अपने पास में रखता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत सभी निर्णय, आदेश, निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व अवधारणों के रूप में प्रयुक्त कर सकें। अभिलेख न्यायालय की दूसरी विशेषता यह है कि उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की जो शक्ति है वो उसके पास में होती है। तो अभिलेख न्यायालय की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो अपनी न्यायिक अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है वो अपने पास में रखता है। सुप्रीम कोर्ट या जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान की गई है। भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास में इस प्रकार की जो शक्ति है वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 इन सब में इस प्रकार की जो शक्ति है वो निगमित है।
सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और जिसे संसद किसी भी स्थिति में न तो कम कर सकती है और न ही छीन सकती है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह संविधान का संरक्षक है। संविधान में जो राज्यों और केंद्र सरकारों को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण न करें, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता महसूस की गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघात्मक जो प्रणाली अपनाई गई है उसको बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी आवश्यकता महसूस की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में भी सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी आवश्यकता है, उसका अपना महत्व है। आगे के जो वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।